दोस्तों हम बात करने वाले हैं महावीर हेयर सॉल्यूशन की एक सीरीज के बारे में, नो मोर कंफ्यूजन। जी हाँ दोस्तों, हमने बहुत प्यारी सी एक सीरीज आपके लिए लेकर आए थे कि हम जिसमें आपके पैच से रिलेटेड जुड़े जो भी क्वेश्चन थे, जो भी प्रॉब्लम्स थे, हम उसका वीडियो के माध्यम से आपको बहुत ही अच्छा आंसर दिया करते थे। तो दोस्तों फिर से हमने वो कंटिन्यू किया और आज हमारे पास एक बहुत प्यारा सा सवाल है, मानसून ऑफर वाला एक सवाल है कि बारिश में अगर मेरा पैच भीगता है तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो जी हाँ दोस्तों, बारिश का समय आ चुका है, पानी गिरना स्टार्ट हो गया और कहीं ना कहीं पैच जब हम लगा के मार्केट में होते हैं या फिर बाहर कहीं फील्ड में होता है और पानी गिरता है तो पैच में कहीं ना कहीं एक इफेक्ट पड़ता है और ये चीज़ें जो है वो बहुत से लोगों के मन में आने लगी है। काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमको मिले हैं यूट्यूब के कमेंट में और काफ़ी कॉल में भी ये चीज़ पूछी गई है, तो हमने सोचा कि क्यों ना इस सीरीज़ को वापस से स्टार्ट किया जाए और आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर दिया जाए। तो दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन आज हमको मिला, हमको नीलेश जी ने क्वेश्चन पूछा है कि बारिश में मेरा पैच अगर भीगता है तो क्या ग्लू की जो ग्रिपिंग है या पैच की जो ग्रिपिंग है वो कहीं ना कहीं डैमेज होने का डर तो नहीं है। तो जी हाँ दोस्तों, पानी अगर गिरता है पैच पर या आप पानी से वॉश करते हैं अपने हेयर पैच को तो ग्लू की पकड़ जो होती है वो कहीं ना कहीं कम होती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपका पानी गिरा पैच पे या फिर आप बरसात में भींगे तो पैच निकल जाएगा या पैच में कोई इफेक्ट होगा या उसकी ग्रिपिंग में इफेक्ट होगा। तो ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं, काफ़ी जो हमारे क्लाइंट्स हैं वो फन सिटीज़ वगैरह में या फिर वाटर पार्क में काफ़ी इंजॉय करते हैं, दो दो तीन तीन घंटा भी आप अगर पानी के साथ में अपनी एक्टिविटी करते हैं तो भी पैच को किसी भी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं होता है। अगर आप पानी से भीग कर आते हैं, बारिश से भीग कर आते हैं तो प्रॉपरली घर पर आकर टॉवल से ड्राई कर लीजिए और बाल को वापस से आप सेट कर सकते हैं। पैच अगर सूख जाएगा तो वापस जो ग्लू की ग्रिपिंग है वापस अपने होल्ड पर आ जाती है। दोस्तों ऐसे सवाल अगर आपके मन में भी हैं, किसी भी क्वेश्चन का जवाब आप चाहते हैं पैच से रिलेटेड या फिर अपने लुक से रिलेटेड या बाल जो झड़ रहे हैं उससे रिलेटेड, तो आप हमारे यूट्यूब में कमेंट कर सकते हैं, हमारे को कॉल कर सकते हैं, वीडियो बना के भेज सकते हैं। आपके नाम के साथ में हम उसके लिए बहुत प्यारी सी वीडियो बनाएंगे और साथ ही उसका जवाब देंगे। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि ऐसे प्यारे प्यारे वीडियोज़ जो है वो आपको लगातार मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।